जीवी प्रकाश जी, इन्होंने मेरी फिल्म में जो है 4 गाने दिए हैं, और ये फिल्म के गाने करना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि इस फिल्म में कोई भी गाना अलग से शूट नहीं हुआ है, हर गाना सीन के साथ शूट हुआ है। हर गाने में सीन में एक म्यूजिकल ट्रीटमेंट है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वादियां या ये कुछ किस्से शूट कर, नहीं, पूरे पूरे सीन्स हैं जिसमें स्टोरी कभी भी नहीं रुकती है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इमरजेंसी को जो है फिल्म के तौर पे एक म्यूजिकल ट्रीटमेंट भी दिया गया है। और हमारे जो इंटरवल ब्लॉक का गाना है, खैर हम सारे सारे गाने तो पूरी तरीके से नहीं लॉन्च कर सकते, क्योंकि उसमें सारी, जैसे मैंने कहा, कहानी पूरी हम लोग नहीं, ऐसे सीन्स रिलीज नहीं कर सकते, लेकिन हमारा शायद जीवी से 10 मिनट का गाना है, आई थिंक लगभग 10 मिनट का सिंहासन, या सिंहासन हमारा जो है इंटरवल ब्लॉक का सॉन्ग। और जितनी बेहतरीनगी से इन्होंने वो गाना कंपोज किया है, और उसके कितने सुर हैं, वो बहुत सॉफ्ट भी जाता है, बहुत अग्रेसिव भी जाता है, बहुत हेल्पलेस भी जाता है, बहुत ज्यादा यू नो, एक तरह से जिसमें आपको लगता है आप मजबूर भी हैं, एक्साइटेड भी हैं, तो बहुत ही खूबसूरत गाना है और मेरा फेवरेट है। उसके साथ ही शंखनाद कर, एक वॉर सॉन्ग जो है, जो जीवी सर ने दिया है, जिसपे जो बहुत ही खूबसूरत जो लिरिक्स हैं, लिरिक्स की तो मैं क्या ही तारीफ करूं, मनोज जी की तारीफ करना तो ऐसा होगा जैसे सूरज को आप रोशनी दिखा रहे हैं, पर दिखा दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन आप आपसे हम जीतेंगे कैसे शब्दों से, क्या शब्दों का चयन करें हम, वो भी तो एक दुविधा है कि आपके लिए कौन से शब्दों के चयन करें, जो इंसान ऐसे लिखते हैं शंखनाद कर, बताइए। शंखनाद कर यूं जोर से चीर दे जमीन आसमान फाड़ दे, देखता है क्या सोचता है क्या, संगीने तू छातियों में गाड़ दे, ओ वीर कफन बांध ले वतन के वास्ते, ओ वीर वीरता का आज तू प्रमाण दे, स्वदेश के लिए, स्वराज के लिए, स्वधर्म के लिए प्राण दे। क्या बात है, जोरदार तालियां। तो आप बताइए अब इन इनकी, इन महोदय की हम तारीफ के लिए कौन से शब्द यूज करें, जैसे शब्दों के जादूगर हैं ये, और इनके गाने और जीवी सर की जो म्यूजिक है वो सुन के आपको लगेगा कि हम भी उठ ही जाते हैं अपनी सीटों से और चली पड़ते हैं हम भी सरहदों पे लड़ने, ऐसा जोश और ऐसे होश आपके उड़ जाते हैं कि आपके पास और कोई रास्ता नहीं रहता है, आपको पूरी तरह से आप भाव विभोर हो जाते हैं। दिस इज द पावर ऑफ द म्यूजिक एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू वर्क विद द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। उसके अलावा जो गाना है बेकरारियां, एक बहुत ही, आपको आज एल्बम पूरा मिल जाएगा तो आप इन गानों के आनंद उठा सकते हैं, तो दैट इज ऑल्सो जीवी सर, मनोज जी कॉम्पोजिशन बेकरारियां। सर बेकरारियां की कुछ, बेकरारियां आप गा सकते हैं, मुझे बड़ा मजा आएगा अगर मैं सुन पाऊं तो। आप बेकरारियां मैं सचमुच चाहता हूं कि आपके लिए एक रिवील हो, ये एक ऐसी मनोदशा का गाना है। आमतौर पे हम किसी भी सिचुएशन को बहुत ब्लैक एंड व्हाइट में देखते हैं कि ये अच्छा है ये बुरा है, लेकिन एक अच्छी फिल्म, एक बड़ी फिल्म वो होती है जो लेयर्स में बात करे, जो तहों में बात करे, जो इंसानी दिमाग के अंदर झांक के कुछ निकालने की कोशिश करे। तो मैं उसके शब्द आपके सामने न बोल के मैं चाहूंगा कि थोड़ी देर बाद जब म्यूजिक आपके सामने होगा तो आप प्लीज बेकरारियां सुने। इट इज वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल सॉन्ग्स दैट वी कुड क्रिएट। ब्यूटीफुल सॉन्ग अबाउट, आई थिंक मेरे लिए, मुझे दर्द भरे गाने बहुत पसंद है। बचपन से मैं बहुत गालिब शायरे गजलें छोटी उम्र में मैं बहुत सुनती थी, तो मुझे दर्द भरे गाने, और दर्द भरा गाना मेरी फिल्म में ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो बहुत ही दर्द भरा गाना है, प्लीज सुनिएगा। जो जो जिन जिन को दर्द भरे गाने पसंद है, आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। इट्स अ सॉन्ग दैट इज अबाउट मेलनकोली, दैट इज अबाउट पेन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड अपने खुद से, दुनिया से नहीं, अब यू नो, अपने आप से जब इंसान निराश होता है, नाराज होता है, और उसके साथ सरकार को सलाम है। दिस इज द सॉन्ग दैट इज डेडिकेटेड टू द वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन द फिल्म, वो आपको फिल्म देखने के जाना पड़ेगा कि किसके लिए, मगर सरकार को सलाम है, और वो भी एक तानाशाही पे जो है वो गाना बना है, और जिस तरह के लिरिक्स जो है मनोज जी ने लिखे हैं सच में दंग रह देने वाले हैं, एंड कॉम्पोजिशन इज बाय जीवी सर। आज जो गाना हम लॉन्च कर रहे हैं, इट इज ए मेरे देश, मेरी फिल्म हो और
दिल चीर देने वाला देशभक्ति का गाना ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है क्या? क्या बात? सो चाहे वो मणिकर्णिका हो, देयर ऑल्सो वी हैड अ सॉन्ग विच इज डेडिक, वो मेरी फर्स्ट को डायरेक्टोरियल थी, और इसमें भी मेरी बड़ी तमन्ना थी कि हम अपने काम के जरिए जो है एक इस देश को जो है एक देशभक्ति का गाना दें। तो मनोज जी और ऑर्को जी का कॉम्बिनेशन पहले भी तेरी मिट्टी का इतना पॉपुलर है, तो मैं भी लालच में आ गई, मैंने कहा आप लोग मुझे भी एक ऐसा ही जबरदस्त गाना दीजिए। तो ए मेरे देश, मुझे लगता है कि देश के साथ आप किसी के साथ प्यार करें तो आप हो सकता है लेट डाउन हो जाएं, लेकिन आप देश के साथ कभी भी प्यार करेंगे तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ जरूर पाएंगे, नजाने करोड़ों देशवासियों का प्यार पाएंगे, स्वाभिमान पाएंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट पाएंगे, अपनी आप की ही आंखों में जो है ऊपर उठ जाएंगे। तो मैं आप सब बच्चों को, और खास आप तो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, लेकिन और जो भी है जिनके स्कूल फंक्शंस होते हैं और जो कि 15 अगस्त है 26 जनवरी, तो मैं चाहूंगी कि आप इस गाने का मजा लें और इसको परफॉर्म करें।